आप सभी को नमस्कार। हमारे SVT सास बहू के तड़का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब्जी बनाएंगे, फूलगोभी की भाजी, जो बहुत ही आसान और स्वादिष्ट होती है, बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट। जैसे आप दूसरे भाजियों को खाते हैं, फेमस भाजी पालक, मेथी, लाल भाजी, परंतु ये जो गोभी की भाजी है ये उनसे कुछ कम नहीं है स्वाद में। अगर आपको मार्केट में इस तरह से हरी और मुलायम भाजी मिलती है तो आप इसे ज़रूर बना कर खाइए। लोग गोभी को, फूल गोभी को तो बना के खाते हैं, परंतु इसकी भाजी को नहीं बनाते। उन्हें लगता है कि स्वाद नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसे भी भाजियों की तरह अच्छे से साफ धोकर झटक कर भाजियों को पहले अच्छे से साफ धो लीजिए, फिर उसे काट लीजिएगा। हमने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया भी है कि भाजी को किस तरह धोना है और कैसे उसको बारीक काटना है। ये भाजी सेहत के लिए भी अच्छा स्वास्थ्यवर्धक है। देखिए, हमने भाजी को सबसे पहले धो ली थी, अच्छे से साफ पानी में धो लीजिएगा और फिर इसे ऐसे बारीक काटेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दोनों एंगल से दिखा रहे हैं। अगर इसके डंठल जो बीच में है वो मुलायम है तो आप उसे भी काट लीजिएगा। ये फूल गोभी से भी ज़्यादा सेहतमंद है। फूल गोभी में तो कभी गैस भी बन जाती है, परंतु ये भाजी खाना, हरे पत्तेदार, बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। हमने दिखाया कि किस तरह से बारीक काटे हैं इसको। ये एक पाव के करीब है ये भाजी। आप इसे चना दाल में भी बना सकते हैं, मैंने बिना चना दाल के बनाई हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट भाजी है। भाजी अवश्य खाइए क्योंकि ये सेहतमंद होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों को। देखिए कितना बारीक कटा हुआ है, इस तरह से बारीक काट लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अच्छे से साफ धोकर मैंने कुकर में आधा कटोरी के करीब पानी डाली हूँ और एक पूरा टमाटर, दो हरी मिर्च और छील के एक लहसुन भी डाली हूँ, क्योंकि ये भाजी के साथ उबलने के बाद इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। जब टमाटर भाप से पक कर भाजी में जाता है, एक लहसुन है, अरे स्वादानुसार नमक डालिएगा। कम डालना है नमक क्योंकि भाजी बनकर कम हो जाता है। थोड़ी सी और पानी डाल दीजिए और आप चार से पांच सीटी आप इसमें लगा लेंगे। चार सीटी तक तो बन ही जाता है। ये देखिए, लहसुन है, हरी मिर्च, टमाटर, मुलायम भाजी लेकर ज़रूर बना के खाइए। लोग भाजी खाना पसंद नहीं करते हैं, परंतु भाजी खाना स्वास्थ्यवर्धक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियों का खाने का है और वो खाने से स्वास्थ्यवर्धक है। न ज़्यादा तेल, न मिर्च, और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। देखिए किस तरह से भाजी, गोभी की भाजी, फूल गोभी की भाजी पककर भाप से पक गया है। चार सीटी में ही अच्छे से पक चुका है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, परंतु कुकर में ये अच्छे से पक जाता है। और टमाटर को, छिलका को इस तरह से थोड़ी सी ठंडा होने पर उसे बाहर निकाल दीजिएगा और पानी सूखते तक अच्छे से बनने दीजिए। 10 मिनट की भी नहीं लगता है इस भाजी को बनने में। अब छौका की तैयारी करना है। इसमें 3 से 4 चम्मच आप तेल डाल देना है। ये देखिए अच्छे तरीके से पक चुका है। अवश्य इस भाजी को बना के खाइएगा। गोभी की भाजी
बहुत सिंपल और आसान है। ये 3 से 4 चम्मच तेल है, लहसुन कतरन किए हुए, 2 लाल मिर्च है और 2 टमाटर काट लीजिएगा, क्योंकि गोभी भाजी में थोड़ा 3-4 टमाटर डालना चाहिए जिससे भाजी का स्वाद बढ़ जाता है। और ये 1/2 टुकड़ा छोटे प्याज का काट के डाल दीजिएगा। हल्का ही इसको ब्राउन होना है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो को देखिए। बिल्कुल घरेलू खाना, जो घर में खाना चाहिए वैसे साग भाजियों के बारे में हम बताते हैं। रेस्टोरेंट बाहर में तो आप स्पाइसी सब्जियां खाते ही हैं, परंतु घर में इस तरह से बना के खाइए जो सेहतमंद भी है। देखिए 2-3 टमाटर और काट लीजिएगा और इसको हल्का सा टमाटर प्याज ये सब अच्छे से भून जाएंगे और थोड़ी सी इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है ताकि टमाटर गल जाए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए धन्यवाद है। प्लीज़ शेयर भी कीजिए और वॉच करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब ये भाजी को उसमें छौंक लगा देना है, देखिए, जिससे स्वाद बढ़ जाता है। और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, देखिए ढक दीजिए। गोभी की भाजी ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही सरल है। इसे आप केवल भाजी और पके हुए भात चावल के साथ खा सकते हैं, भात के साथ, रोटी के साथ भी खाइए। और इस तरह से भाजियों का वैरायटी हम बनाकर बताते हैं, अलग अलग भाजियों को किस तरह बनाना। देखिए गोभी, फूल गोभी की भाजी है। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और भाजियों को बनाकर ज़रूर खाइए। ये स्वास्थ्यवर्धक है, हरे पत्तेदार भाजियों को खाने से सेहतमंद तो रहते ही हैं, पेट भी साफ होता है, आँखों की रोशनी के लिए भी हरे पत्तेदार सब्जियां लाभप्रद है। अच्छे से भाजियों को साफ धोइए, बारीक काटिए और बनाइए। देखिए ये भाजी कितना अच्छा दिख रहा है, स्वाद तो इसका लाजवाब है ही है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप भी बना के खाइए गोभी की भाजी। थैंक यू।